अगर आप YouTube पे अपना एक नया चैनल क्रिएट करते हैं, तो जब आप चैनल क्रिएट करते हैं तो उस टाइम सबसे पहले ईमेल आईडी बनाने के बाद आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है चैनल का लोगो। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी में अपना चैनल क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको एक परफेक्ट लोगो की ज़रूरत होती है। और अगर आपका वो लोगो PNG फॉर्मेट में हो, यानी कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो, तो वो लोगो बहुत ही परफेक्ट होता है और बहुत ही अच्छा दिखता है। मतलब कि जब आप उस तरीके के लोगो क्रिएट करते हैं या फिर उस तरीके के ट्रांसपेरेंट PNG फॉर्मेट वाले लोगो किसी दूसरे चैनल पर देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके के लोगो को किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन से ही बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं सीखो कंप्यूटर एंड टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप समझते हैं। देखिए, लोगो जो होता है वो आप फेसबुक पेज के लिए भी बनाते हैं, इंस्टा पेज के लिए भी बनाते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए आप बनाते हैं। तो इस तरीके के ट्रांसपेरेंट लोगो आप किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हैं, अपने फेसबुक अकाउंट के लिए भी, अपने फेसबुक पेज के लिए भी, इंस्टा पेज के लिए भी या फिर यूट्यूब के लिए भी। ठीक है, अब बात करते हैं इमेज की। यानी कि जो लोगो आप क्रिएट करेंगे और आपका चैनल जिस भी कैटेगरी में होगा उसी कैटेगरी से रिलेटेड इमेज आप अपने लोगो में यूज करेंगे। मान लीजिए कि आपका चैनल किचन से रिलेटेड है या फिर गेमिंग से रिलेटेड है या फिर टेक से रिलेटेड है या फिर स्टडी से रिलेटेड, बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो इन्हीं चीजों से जुड़े हम इमेज यूज करेंगे। ठीक है, तो जो इमेज होते हैं वो इमेज आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। डायरेक्ट आप गूगल पे डायरेक्ट आप जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि जिस फॉर्मेट में आपको इमेज चाहिए उस तरीके के PNG इमेज सर्च कर सकते हैं वहां पे। अगर उस तरीके के इमेज वहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं तो जिस भी तरीके के आपको परफेक्ट इमेज मिलते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री में आपको इमेज मिल जाएंगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी इमेज मिल जाएंगी। ठीक है, जिस कैटेगरी का आपको चाहिए उस कैटेगरी का। ठीक है, उस इमेज को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हो बैकग्राउंड रिमूवर या फिर BG लिखोगे जैसे ही, तो एक वेबसाइट आएगा, उस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से भी जाकर के आप अपनी तस्वीर के, आप अपने इमेज के किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आप उस इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं तो उसके बाद उसको लोगो में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, किस तरीके से उसको उसके अंदर की सारी चीज़ें करनी है, वो टेक्स्ट किस तरीके से लिखनी है हमें अपने लोगो के अंदर, तो चलिए ये सारी चीज़ें हम पिक्सल लैब में करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले करना क्या है आपको कि कोई भी इमेज, जिस तरीके का इमेज आपको चाहिए, मतलब अपने चैनल के रिकॉर्डिंग जिस तरीके का इमेज आपको चाहिए उस तरीके का इमेज आपको गूगल से या फिर और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं कहीं से भी जा करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना होगा। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए क्या करना है हमें कि ये जो एप्लीकेशन है बैकग्राउंड इरेजर, इसको आपको सिंपल से अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर में जाकर के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लोड वाले ऑप्शन पे एक बार हम क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको वो तस्वीर यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जिस इमेज को अभी आपने डाउनलोड किया है, वो इमेज आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे स्मार्टफोन में बहुत सारे इमेज है, तो मैं इन्हीं में से कोई एक इमेज यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि ये एक इमेज है, मैं इसको टैप करता हूँ, इसको टैप करके सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए, इस इमेज के चारों तरफ वाइट बैकग्राउंड्स हैं, तो इस वाइट वाले बैकग्राउंड को हमें हटाना है पूरी तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे डन करेंगे। डन करने के बाद यहाँ पे एक ऑटो है, ऑटो वाले पे क्लिक करेंगे। ये ऑटो तभी काम करेगा जब आपके बैकग्राउंड का कलर सेम टू सेम हो, नहीं तो आप मैजिक टूल का भी यूज कर सकते हैं या फिर मैनुअली करके भी आप इसको इरेज कर सकते हैं। मैं ऑटो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक बार इस तरीके से ड्रैग करके छोड़ देता हूँ। देखिए, सारा बैकग्राउंड यहाँ का इरेज हो चुका है। ठीक है, सारा बैकग्राउंड इरेज हो गया। ये थोड़ी सी जो चीज़ें रह जा रही हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल करके इसको यहाँ पे इसको भी मिटा सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, देखिए, यहाँ का भी जो स्पेस का यहाँ की भी जो चीज़ें थी उसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम डन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब ये हमारा जो इमेज है यहाँ पे सेव हो चुका है, यहाँ फिनिश पे हम क्लिक करते हैं। अब ये हमारी गैलरी में आ चुका है। ठीक है, अब जब गैलरी में आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करना है, मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद हम सिंपल से पिक्सल लैब ओपन करेंगे। पिक्सल लैब जैसे ही हम ओपन करेंगे उसका जो सरफेस इस तरीके से आए, तो पहले इस टेक्स्ट को हम यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो इमेज है ना, इस पर एक बार सिंपल से क्लिक करना होगा। इमेज साइज पर क्लिक करेंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर, इस पर एक बार क्लिक करना है, देन ओके प्रेस करना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आप देखिएगा, एक ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रांसपेरेंट का, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है। हमारा जो ये बैकग्राउंड है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट अभी ही हो चुका है। अब जो इमेज हमने अभी जिस इमेज का बैकग्राउंड हटाया था उस इमेज को यहाँ पर हमें लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे।
तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको वो इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मैं वो इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने जो इमेज इरेज किया है बैकग्राउंड जिसका, वो यहाँ पे है, तो इस पर मैं टैप करता हूँ। टैप किया, अब इसके साइड की जो स्पेस की ज़्यादा जो जगह, अगर आप चाहो तो यहाँ से इस तरीके से स्क्रॉल करके इसको मतलब से उस खास हिस्से को ही सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस तरीके से करके रहने देता हूँ, देन यहाँ पर टैप करता हूँ। देखिए अब ये इमेज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप कितना छोटा और कितना बड़ा रखना चाहते हो, इस तरीके से ड्रैग करके आप कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेंटर पे रखता हूँ, आप चाहो तो कहीं साइड में भी रख करके बना सकते हो या फिर सेंटर में भी, तो आपको जैसा जहाँ पर लगे वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ही रखता हूँ या फिर यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, अब उसके बाद हमें अपना टेक्स्ट ऐड करना है, यानी कि आपके चैनल का जो नाम होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना नाम लिखना है। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बैक बीच में हम क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डबल टैप करेंगे, उसके बाद इसको मिटा देंगे। अब यहाँ पे आपको अपने चैनल का नाम लिखना है, अगर चैनल का नाम बड़ा है तो दो बार टेक्स्ट करके लिखेंगे, दो तीन बार, और अगर छोटा नेम है मतलब एक ही बार में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी अच्छी लगेंगी, तो आपको एक बार में ही लिख लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर मान लीजिए कि लिखता हूँ म्यूजिक सिर्फ, ठीक है, मैं सिर्फ म्यूजिक ही लिख के आपको दिखाता हूँ। म्यूजिक लिखा मैंने, मैं मान लीजिए कि मैंने लिखा MJ म्यूजिक, ठीक है, MJ म्यूजिक लिखा मैंने, देन ओके प्रेस कर दिया। अब ठीक है, हमारा टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे, टेक्स्ट साइज पे आएंगे और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, तुरंत दिखेगा। उसके बाद इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के आने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, स्ट्रोक पे क्लिक करना है, इसको इनेबल करेंगे। इनेबल कर जैसे ही करेंगे ये MJ म्यूजिक इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे टैप कर देंगे। अब MJ म्यूजिक वाला ये जो टेक्स्ट है आपको अगर यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे रखिए, साइड में रखना है या फिर ऊपर रखना है, अब आपकी मर्जी है कि आप इस टेक्स्ट को रखने कहाँ वाले हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे भी इस तरीके से रख सकता हूँ, या फिर यहाँ पे भी। अगर मान लीजिए कि इसको मैं यहाँ पे रखूँ तो उसके लिए एक चीज़ करना होगा, हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है इस तरीके से, जब आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलता है कर्व का, ठीक है। ये कर्व का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो लाइन है इसको जिस तरीके से मैं बढ़ाऊँगा वो जो टेक्स्ट है देखिए कर्व होते जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कर्व होते चला जा रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर भी कर्व करके इसके बेस पर भी इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से इसको हम सेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं टाइप कर दूँ तो ये यहाँ पे ही इस तरीके से रह जाएगा, ठीक है, या फिर इसको आप यहाँ पे भी इस तरीके से रख सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट है, तो यहाँ पे सेकंड चीज़ एक ऑफ, तो यहाँ पे एक सेकंड चीज़ आपको मिलेगी AB लिखा हुआ है, जो इस पर सिंपल से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगे, तो आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे अपने चैनल के लिए, जो भी फॉन्ट अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। उसको आप पहले सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ध्यान यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्सचर का, टेक्सचर पे सिंपल से क्लिक करेंगे, यहाँ पे इमेज है इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपके मोबाइल में किसी तरीके का इमेज है जिस इमेज को आप उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे इमेज मेरे स्मार्टफोन में पड़े हुए हैं, मैं इन्हीं में से कोई एक इमेज यूज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे इमेज आपको दिख रहे होंगे, तो मैं इन्हीं में से कोई एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए कि मैंने ये इमेज सेलेक्ट किया, इस तरीके से ये इमेज हमारा सेलेक्ट हो गया। अब इस इमेज का जितना हिस्सा आप चाहो उतना सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं पूरा का पूरा करता हूँ, यहाँ पे टैप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे टैप करेंगे तो ये देखिए ये जो MJ म्यूजिक है इसी टेक्स्ट के ऊपर वो सारा इमेज अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ पे इनेबल कर देंगे तो थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर की बदलती हैं। ये जो स्केल दिया गया है इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वो इमेज में जो टेक्स्ट में हमने इमेज अप्लाई किया है उसका फ़र्क यहाँ पे आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ से चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो और फिर से दूसरा इमेज भी यूज कर सकते हो। तो आपको ट्राई करके देख लेना है कि कौन सा इमेज आपके इस लोगों के अकॉर्डिंग सूटेबल बैठ रहा है, मतलब कि परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, उसी लोगों का आपको यूज करना है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं उस इमेज को डिलीट करके मैं ये वाला इमेज नियोन टाइप का जो इमेज है इसको यूज करता हूँ, यहाँ पर टैप करता हूँ, तो ये देखिए ये MJ म्यूजिक कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं रहने देता हूँ, और इसको मैं अगर चाहूँ तो अगर आप चाहो तो इसको इनेबल कर सकते हो, थोड़े से कलर में डिफरेंस आएंगे, नहीं तो इसको इनेबल नहीं करना है, इसको बंद कर देना है, देन यहाँ पे टैप कर देना है, ठीक है। अब टैप कर दिए
तो अगर आप चाहें तो बस इतना ही यूज कर सकते हैं, मतलब कि ये एक तरीके से ये भी आपका लोगो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अगर नहीं तो इस टेक्स्ट को आप यहाँ पे अगर सीधा कर देंगे तो वो और अच्छी चीज़ें लगेंगी, वो और अच्छा लगने लगेगा। तो मैं इसको इस कर्व को फिनिश कर देता हूँ, ख़त्म करता हूँ, ठीक है, इसको एकदम से स्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है, इसको स्ट्रेट कर दिया, इसको यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे टैप कर दिया। और अगर आप चाहें तो इस टेक्स्ट को 3D फॉर्मेट में भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा 3D टेक्स्ट, 3D पे क्लिक किया, यहाँ पे इसको इनेबल कर दिया, तो ये हमारा जो टेक्स्ट है 3D में हो चुका है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, मतलब 3D का जो कलर है वो यहाँ से चाहो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से कोई भी कलर आप ले लो जो आपको 3D पे सूटेबल लगे उसको कर सकते हो, यहाँ पे टैप कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे 3D रोटेट है, इसका थोड़ा सा अगर हम यूज करते हैं तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से इसका टेक्स्ट का फॉर्मेट बदल जा रहा है 3D के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यूज कर सकते हो, देखिए ये इस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, तो जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ पे फिर टिक मार्क कर देना है। तो ये सारी चीज़ जब कंप्लीट हो जाएंगी तो मान लीजिए कि ये हमारा लोगो एक तरीके से बन करके कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा लोगो जब बन जाएगा तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, एंड देन सेव एज इमेज पे, सेव एज इमेज पे क्लिक करके सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका लोगो तैयार हो करके आपकी गैलरी में आ चुकी होगी, ठीक है। हमने अभी जो लोगो बनाया वो लोगो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हमने गैलरी पे आए, यहाँ पे आने के बाद हम आते हैं लास्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये MG म्यूजिक आ चुका है, ये ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल नहीं इस तरीके, इसीलिए ये ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एक और बनाया हुआ है, देखिए MSK रिकॉर्ड्स करके कुछ बनाया था, तो ये भी एक चैनल का लोगो ही है। तो इस तरीके से आप अपने चैनल का लोगो ट्रांसपेरेंट रूप में PNG फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हो।